आजकल युवाओं में मसल्स बनाने का बहुत शौक है। सेलिब्रिटी से लेकर आम इंसान भी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहता है। कुछ लोग इसके लिए जिम में जाकर घंटों मेहनत करते हैं। आज हर युवा चाहता है कि उसकी अच्छी बॉडी बने और फ्रेंड्स उसके शरीर में सिक्स पैक एवं एट पैक दिखें। उसके लिए फ्रेंड्स वह कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि सिर्फ एक्सरसाइज करके मसल्स नहीं बनती हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको रिच प्रोटीन डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स आजकल मार्केट में कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट आ गए हैं जिनको फ्रेंड्स आप खा सकते हैं, लेकिन डाइटिशियन की सलाह के बिना इन्हें खाना फ्रेंड्स नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आज हम आपको चार ऐसे हाई प्रोटीन फूड के बारे में बताने वाले हैं फ्रेंड्स, जिनको खाने से फ्रेंड्स आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। वैसे इन फूड आइटम को फ्रेंड्स हम अपनी रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अपनी मसल्स बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इनका सेवन आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स मसल्स बढ़ाने वाले फूड के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि फ्रेंड्स आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वही नंबर वन है मछली और चिकन। एक्सपर्ट के अनुसार फ्रेंड्स नॉन वेज खाने वालों को फिश और चिकन जरूर से खाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों चीज़ें हाई प्रोटीन डाइट में शामिल हैं। अगर आप अपनी फ्रेंड्स मसल्स बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इन दोनों फूड को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। हाई प्रोटीन डाइट के लिए फ्रेंड्स आप सैल्मन मछली खा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको सैल्मन मछली ना मिले तो फ्रेंड्स आप कोई भी मछली खा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी ही मछलियों में आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। वहीं चिकन की बात करें तो फ्रेंड्स चिकन में भी आपको फुल प्रोटीन मिल जाता है, जिसका सेवन फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। इसे रोजाना डाइट में शामिल करने से फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स वही नंबर टू है अंडे। मसल्स बनाने के लिए फ्रेंड्स जो लोग जिम करते हैं उनको फ्रेंड्स अंडा जरूर से खाना चाहिए। वैसे तो अंडा नॉनवेज फूड कैटेगरी में आता है, लेकिन वेजिटेरियन लोग भी फ्रेंड्स इसे खा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अंडा प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। एक अंडे में फ्रेंड्स आपको लगभग 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। अंडे में फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि फ्रेंड्स बॉडी बिल्डर लोग ज़्यादा अंडे खाते हैं। इसे फ्रेंड्स आप अपनी डाइट में शामिल जरूर करें, इससे फ्रेंड्स आपकी मसल्स बढ़ने लग जाएंगी। सो फ्रेंड्स नंबर 3 है दालें। इंडियन डिश में फ्रेंड्स दालें खास महत्व रखती हैं। देश के कोने कोने में फ्रेंड्स एक ही दाल को बनाकर खाया जाता है। इनकी खासियत यह है कि फ्रेंड्स दालों को हर मौसम में खाया जा सकता है। दाल खाने के फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा फ्रेंड्स दालों में अन्य पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। लगभग एक कप दाल में फ्रेंड्स आपको 8 ग्राम से लेकर 12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको मसल्स बनानी है तो फ्रेंड्स आप अपनी डाइट में दाल को जरूर से शामिल करें। इससे फ्रेंड्स आपको हाई मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, जिससे फ्रेंड्स आप अपनी मसल्स बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स नंबर 4 है सोयाबीन की बरी खाएं। वेजिटेरियन के लिए फ्रेंड्स सोयाबीन की बरी खाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें फ्रेंड्स पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि फ्रेंड्स आप इसको साबुत अनाज की तरह भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे सोया चंक्स या साबुत अनाज की तरह खाएं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होता है। एक कप सोयाबीन में फ्रेंड्स करीब 10 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स विटामिन मिनरल्स एवं पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए सोयाबीन की परी अपनी डाइट में शामिल जरूर से करें। तो फ्रेंड्स ये थे हैवी मसल्स बनाने के 4 फूड, जिसका सेवन करने से फ्रेंड्स आप अपने हैवी मसल्स को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद।